सो हेलो एवरीवन, व्हाट इज़ अप, क्या हाल चाल, वेलकम टू डेविल्स लाइफ। तो भाई आज हम लोग निकल चुके हैं अपनी हार्ली डेविडसन X440 की सेकंड सर्विस करवाने। यस, अपनी बाइक का टाइम हो चुका है सेकंड सर्विस का, लगभग 6 महीने हो चुके हैं हमारी बाइक को लिए हुए। तो टाइम पीरियड ये है कि आपको सेकंड सर्विस करवानी है 6 महीने के अंदर अंदर, या फिर आपके 5000 किलोमीटर्स पूरे हो जाए। तो भाई अभी तक हमने अपने बाइक पे सिर्फ एक ही लॉन्ग राइड मारी थी, वो भी ऋषिकेश की। उसको लॉन्ग भी नहीं कह सकते, वो तो बस ऐसे ही ट्रायल राइड थी कि लॉन्ग राइड पर अपनी बाइक कैसे परफॉर्म करती है। उसके बाद मैं थोड़ा काम वाम में बिज़ी हो गया था, सो लॉन्ग राइड नहीं मार पाए। बट बहुत ही जल्द हम लोग एक लॉन्ग राइड मारने वाले हैं, और यस, ये होने वाली है कम से कम 10 दिन की लॉन्ग राइड। तो भाई उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो ये वाली अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना और शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो यहाँ से हम लोग सीधा चलते हैं कैपिटल हार्ले, दैट इज़ इन गुरुग्राम। वहाँ जाकर करवाएंगे बाइक की सर्विस, सेकंड सर्विस होगी। यस, उसमें देखते हैं भाई क्या क्या पार्ट अपने चेंज होंगे और क्या क्या चीज़ें इसमें डलेंगी और क्या कॉस्ट रहने वाली है सेकंड सर्विस की हार्ली डेविडसन X440 की। तो भाई सीधा चलते हैं शोरूम। तो भाई देखो, पहुंच गए हम लोग हार्ले डेविडसन शोरूम। यस, कैपिटल हार्ले गुड़गांव में। लगभग हमें लगे हैं 49 मिनट्स, लगभग क्या, टू बी एग्जैक्ट 49 मिनट्स लगे हैं, और हम पहुंच गए भाई सर्विस एरिया के अंदर। ये रहे गार्ड साहब, अभी काटेंगे पर्ची। कैसे हो गार्ड साहब? बढ़िया सर, सर्विस हो गई? हाँ जी बिल्कुल। ये देखो बाइक अपनी खड़ी है यहाँ पर, और आप देख सकते हो भाई X440 कितनी खड़ी है यहाँ पर, आपको नज़र आती जाएंगी आगे तक भी। X440 वगैरह सारी की सारी सर्विसिंग के लिए, और यहाँ तक ही नहीं भाई, एक बार जरा आप अंदर नज़र मारोगे ना तो आपको पता चलेगा कितनी बाइकें खड़ी हैं X440 यहाँ भी और अंदर भी लगी हुई हैं भाई। इसमें सर्विसिंग में गाने चल रहे हैं, गाने। और चेकआउट करो भाई, ये खड़ी है मैवरिक 440। क्या बात है, लेकिन शोरूम में भी मैवरिक खड़ी है। अरे भाई और भी हैं ये तो, क्या बात है भाई, बहुत ही सही। तो भाई देखो, पहुंच चुके हैं हम लोग सर्विस सेंटर में, और अपनी बाइक लग चुकी है सर्विसिंग के लिए। बट उसमें लगेंगे अभी कम से कम 5-6 घंटे, बिकॉज X440 भाई इतनी बिकी है, इतनी बाइक सर्विस में आ रही है कि लाइनअप लगा पड़ा पूरा का पूरा। अपनी बाइक का नंबर है लास्ट, जो अभी टाइम हो रहा है 12:20, मतलब 12:30 हो रहे हैं, और बाइक हमें मिलेगी लगभग 5-6 बजे। तो आप लोग भाई समझ सकते हो कितनी बाइकें आ रखी होंगी सिर्फ सर्विसिंग के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर आपको एक अच्छी सी चीज़ दिखाता हूँ जो कि आप लोगों को वो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। यस, ये देखो भाई, ये आप लोगों ने मेरी पुरानी वाली वीडियो में देखी होगी, ये है X440 जो कि है कस्टमाइज्ड। उसके बाद यहाँ पर देखो भाई, ये भी है हार्ली डेविडसन X440, जिसको कि आप लुक से पहचान नहीं पाओगे, बट यस, दिस इज़ X440 जो कि कस्टमाइज्ड है बुलेटियर्स कस्टम्स ने। तो भाई बहुत ही बढ़िया बाइक बनाई है, और जो इसके ऊपर ये ग्राफिक्स वगैरह कर रखे ना टाइम पे अमेरिकन स्टाइल, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर आप देखो हार्ली डेविडसन मोटर कंपनी भी लिखा हुआ है, इंजन तो वही होने वाला है। प्लस साथ ही साथ में आप देख रहे होगे भाई यहाँ पर कहाँ है इसका इग्निशन, तो मतलब की कहाँ लगेगी इस बाइक में, वो लगेगी यहाँ पर। ये देखो भाई, सीधा बटन दबाओ और बाइक स्टार्ट, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हेडलाइट आपकी वही है जो अपनी X440 में आती है। उसके बाद टायर इसके चेंज कर रखे हैं, साथ ही साथ में एग्जॉस्ट लगा हुआ है फ्री फ्लो एग्जॉस्ट, जिसका साउंड भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होएगा, बहुत ही बढ़िया इसका साउंड होने वाला है। चाबी नहीं है, मतलब इस वजह से हम लोग स्टार्ट करके इसका साउंड नहीं सुना पाएंगे, बट मेरे को यही लग रहा है भाई इसका साउंड होगा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त। और फाइनली यहाँ पर खड़ी है एक और X440 जो कि भाई मेरी फेवरेट है। इसमें आप देखो पूरी की पूरी इसमें चेंजेस, मतलब पूरे पूरे चेंजेस कर दिए गए हैं। टैंक आई थिंक सो नहीं, टैंक भी चेंज है भाई, सिर्फ टैंक भी चेंज है, इसके शॉकर्स भी चेंज है, मतलब पूरी बाइक ही चेंज है, इंजन बस वही है, इंजन वही है, बाकी पूरी बाइक चेंज। और फ्रंट में भाई ये देखो, ये इसके एक्स का जो इसमें लोगो लगा हुआ है वो भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। हार्ले डेविडसन की बैजिंग है, इंजन है, शॉकर है, टायर है, बस और कुछ नहीं है भाई बाइक में। ये प्रॉपर ऑफ रोडिंग टाइप बाइक बनी हुई है, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है बाइक है। ये देखो भाई, एक और डिलीवरी X440 की, रेड कलर की, बहुत ही बढ़िया लगी है बाइक। तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन जिसने भी ये बाइक ली है, बहुत ही ज़बरदस्त।
तो भाई ये देखो यहाँ पे हो चुकी है अपनी बाइक की सर्विस, बिल्कुल चमचमा रही है। बट एक जो इसमें इशू था, इशू भी नहीं कह सकते, तो मेरे से ही हुआ था। पीछे का इसका जो रिफ्लेक्टर था वो मतलब चलते चलते गिर गया था। आपको तो पता ही है भाई दिल्ली में ट्रैफिक में क्या क्या सीन होते रहते, तो दो तीन बार निकला था मैंने, डबल टेप से लगाया था बट फिर भी दोबारा हो गया था। सो नो प्रॉब्लम, मैंने यहाँ पे सर्विस एरिया में बोल दिया, वो अभी रिफ्लेक्टर को क्लीन करके बहुत ही अच्छे तरीके से लगा देंगे। बाकी आप बाइक देखो भाई, सर्विस हो चुकी है और क्या ही शाइन आ रही है। साथ ही साथ में हमें यहाँ पर अपने एक भाई मिले हैं जो है, आपका नाम सर? जतिन पेशवानी। जतिन 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 yes. जतिन सेम सेम, वाह यार बहुत सही yes. तो आपने भी अभी X440 लिया? हाँ जी हाँ जी, मैंने आपकी वीडियोस देखी हुई है तो वही देख के, मतलब मेरा भी बहुत सारे कंफ्यूजन्स थे तो ऑलमोस्ट उसने सॉल्व किया था, तो वो देख के मैंने भी लिया। ओके ओके, कौन सा मॉडल लिया आपने? मैंने मिड विविड मॉडल लिया, ग्रे कलर। ओके ओके, और कितना टाइम हो गया आपको? ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीना हो गया। कैसा है बाइक का रिस्पांस? गुड यार, मतलब मैंने बाकी भी चलाई हुई है और कंपैरिजन में ऐसे पहले हंटर और ये सब भी देख रहा था, नॉर्मल बुलेट भी, बट मतलब रोड प्रेजेंस और जब आप चलाओ रोड पे, मतलब सब एवरीबॉडी जस्ट टर्न्स अराउंड एंड सीज के मतलब right, कोई तो ये कौन सी बाइक है, और इसका साउंड भी काफी इंप्रेसिव है, राइट? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपने इसको हाईवे वगैरह पे कहीं राइड किया अभी तक? हाँ थोड़ा बहुत किया है, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा तो नहीं, 50-100 किलोमीटर ही चलाई अभी तक, बिकॉज़ एक्सट्रीम लॉन्ग राइड्स वगैरह वो अभी नहीं, लॉन्ग राइड्स अभी नहीं, आई एम प्लानिंग फॉर दैट, बट हां प्लानिंग फॉर दैट। चलो ठीक है, कोई प्लान हो तो मेरे को भी बताना, साथ साथ में चलेंगे। डन फॉर श्योर। नाइस टू मीट यू ब्रो। सेम है, सेम है, ऑल द बेस्ट। तो भाई भाई हमें मिले थे, भाई ने भी X440 लिया, मिड वेरिएंट लिया है, और भाई मानना पड़ेगा ये जो X440 है मार्केट में प्रॉपर धूम मचा रही है। मैंने आज देख लिया कम से कम मेरे सामने 13 से 14 बाइकों की सर्विस हुई है एक दिन में, तो आप समझ सकते हो भाई इस बाइक की सेल कितनी हो रही है। तो अगर आप लोगों को भी कुछ कन्फ्यूजन है तो कैपिटल हार्ले में आप आओ, यहाँ पे इंक्वायरी करो, बाइक की टेस्ट राइड लो और अच्छे से बाइक को एंजॉय करो। मूड बने तो भाई बाइक ले लो, नहीं तो कोई नहीं, हमारे व्लॉग देखते रहो उसमें एंजॉय करो। तो भाई बाइक की सर्विस हो चुकी है, अब निकल रहे हैं हम लोग सीधा घर की तरफ, और साथ में हमें मिले हैं कुछ भाई लोग। भाई आपका नाम? हरप्रीत। और आपका? रोहित। तो आपने भी X440 लिया आज? क्या फर्स्ट सर्विस? फर्स्ट सर्विस थी तो मतलब व्लॉग देखा था आपने? व्लॉग देखा था मैंने, सारे व्लॉग देखे हैं आपके। सारे व्लॉग देखे हैं, कैसे लग रहे हैं व्लॉग? व्लॉग तो बढ़िया है, मैं तो भाई को ही दिखा था, भाई ने कहा भाई मैंने यार नाम देखा है कहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने दिखाया, सर्च करा, ध्यान है, कंफर्म हो गया मैं वही है। फिर भाई ने बताया कि आपकी वो गोल्डन, हाँ मैंने गोल्डन करवाया था। मैं मतलब बाहर इसलिए आया, मैं देखने आया गोल्डन है अभी भी है या नहीं है। नहीं वो मैंने नेक्स्ट डे हटा दिया था। हाँ जी, नहीं नहीं मैंने अपने वहाँ से लोकल शॉप से ही करवाया था। हाँ हाँ हाँ, वेस्ट दिल्ली, वही उसी साइड रहता हूँ। अच्छा उसी साइड रहते हो, दिल्ली में ही रहते। चलो सही है, फिर किसी दिन राइड पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है, कांटेक्ट में रहना। बाकी बाइक कैसी चलती है? मस्त चल रही है, फर्स्ट सर्विस हुई ना अभी? और लॉन्ग राइड वगैरह कोई? लॉन्ग राइड हुई है। हुई है, कहाँ की करी थी? मेरठ साइड करी है। मेरठ साइड, तो मतलब रिस्पॉन्स अच्छा था हाईवे पे भी ना। चलो बढ़िया, मिलते फिर किसी दिन नेक्स्ट राइड पे। तो भाई लोग निकल चुके हैं हम लोग सर्विस सेंटर से, और बाइक चलाने में देखे भाई कैसी फील आ रही है, वाह वाह बिल्कुल ही ब्रांड न्यू। तो ये है हार्ले डेविडसन का शोरूम, बहुत ही बढ़िया सर्विस हुई है, और भाई मानना पड़ेगा जो मेरे को लग रहा था ना कि पीछे का रिफ्लेक्टर निकल गया है वो ये सर्विस सेंटर वाले लगा कर देंगे कि नहीं देंगे, बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो मानना पड़ेगा भाई इनकी सर्विस भी बहुत अच्छी है, बाइक तो अच्छी है ही है, साथ साथ में इनका सर्विस भी बहुत अच्छी है। लोग हार्ले डेविडसन सर्विस सेंटर से बाइक की हो चुकी है सेकंड सर्विस डन, और जैसा कि आप लोगों ने देखा भाई व्लॉग में हमें कुछ भाई लोग मिले थे जिन्होंने हमारी वीडियोस देखने के बाद अपना डिसीजन फाइनल करा था हार्ले डेविडसन X440 लेने का। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मेरी वीडियो देख कर ही उन्होंने बाइक लिया, बट हाँ ठीक है, कहीं ना कहीं उनके कुछ डाउट्स थे जो मतलब मेरे व्लॉग्स ने कुछ हद तक क्लियर कर दिया और उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया। तो अगर हार्ले डेविडसन से कोई बंदा देख रहा है तो भाई कुछ ना कुछ देखो, हमारे बारे में भी सोचो। जोक्स अपार्ट भाई, अच्छा लगता है ऐसे भाई लोग अपने मिलते हैं और एप्रिसिएशन मिलता है और अपने को मोटिवेशन मिलती है अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाने के लिए। तो भाई अगर आप लोगों को भी व्लॉग अच्छा लगे तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। अब बात करते हैं इसकी सर्विस कॉस्ट की। यस, हार्ले डेविडसन X440 की सेकेंड सर्विस की कॉस्ट कितनी आती है? 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये या फिर ज़ीरो? तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं सीधा घर जाकर। मैं आप लोगों को सीधा जॉब कार्ड दिखाता हूं, उसमें आपको प्राइस पता ही चल जाएगा एग्जैक्ट कितना प्राइस है सेकंड सर्विस का हार्ले डेविडसन X440 का। तो यहां से हम लोग सीधा चलते हैं घर की तरफ और आपको दिखाता हूं सर्विस कॉस्ट कितनी आई है। बाबा रे बाबा, सही चल रही है बाइक, एक नंबर, स्मूथ, नई नई बाइक की फील आ रही है भाई पूरी की पूरी, वाह क्या बात है।
चेक करो प्लेन, ओ हो कितना बढ़िया लग रहा है यार। अभी बिल्कुल साइड से गया था प्लेन, बहुत बढ़िया लग रहा था, क्या बात है। तो भाई ये देखो, ये है रनवे सामने की तरफ, वो हो गया प्लेन लैंड, धुएं काट दिए भाई, बहुत सही। तो ये राइड करने के देखो मेरे को तो आ रहे मज़े, ऐसी फील आ रही है जैसे हो ब्रांड न्यू बाइक, सर्विसिंग में मज़ा आ गया भाई। ओके तो भाई लोगों, पहुंच चुके हैं हम लोग घर पे, और ट्रैफिक भाई साहब बोलना पड़ेगा, इतना ट्रैफिक हो रखा है संडे के दिन भी। ये लगा के चलो जो रास्ता अपना लगभग एक घंटे का है उसको करने में हमें कम से कम ढाई घंटे लगे हैं, इतना ट्रैफिक हो रखा है भाई रोडों पे। तो आप लोग देख सकते हो भाई, आप लोगों के लिए कितना एफर्ट लगाते हैं हम लोग व्लॉग बनाने के लिए। और मेन बात के ऊपर आता हूँ मैं कि हार्ले डेविडसन X440 की सेकेंड सर्विस की कॉस्ट कितनी है। तो यहाँ पर आप लोग देखो भाई, ये है कॉस्ट, जीरो ओनली, यस। तो भाई अपना एक रुपया भी नहीं लगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये बाइक की सेकंड सर्विस हुई है, बिकॉज 6 मंथ्स के अंदर हमने सर्विस करवा ली थी। अगर हम लोग थोड़ा लेट होते, आफ्टर 6 मंथ सर्विस करवाते, तो डेफिनेटली इसका कॉस्ट लगता, प्लस साथ ही साथ में लेबर चार्जेस भी हमें देने पड़ते, तो वो लगभग 2,500-3,000 के आसपास लग जाते उसके। बट इतना अपने को नहीं लगा, अपना बिल्कुल जीरो हुआ है। तो अगर आप लोगों को भाई ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं ऐसे किसी नए व्लॉग में, बट उससे पहले मेरे को एक चीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना भाई, कि आपको इस बाइक के बारे में और क्या व्लॉग्स देखने हैं, लाइक मॉडिफिकेशन व्लॉग्स देखने हैं, लॉन्ग राइड के व्लॉग देखने हैं, या फिर इसके कुछ और रिव्यू टाइप आपको देखने हैं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मिलते हैं ऐसे किसी नए व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, डेविल्स लाइफ।